Hello friends, welcome to Gate Corner. My name is Rohit Gupta. In this video, we will discuss the topic Determinacy and Indeterminacy, which comes under Structural Analysis. In this topic, we will discuss how to calculate static and kinematic indeterminacy of the structures. Before calculating the static and kinematic indeterminacy, we should know about the term that is Determinacy and Indeterminacy. तो दोस्तों अगर हमें इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करनी है मतलब स्टैटिक हो या फिर काइनेमेटिक हो कैसे भी हो तो उससे पहले हमें ये टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि डिटरमिनेसी क्या है और इंडिटरमिनेसी क्या है तो फिर बात करता हूँ मैं डिटरमिनेसी की डिटरमिनेसी जो वर्ड है वो आया है डिटरमिनेट से तो कोई भी स्ट्रक्चर सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो कोई भी स्ट्रक्चर डिटरमिनेट कब होगा मतलब कब वो स्ट्रक्चर को हम डिटरमिनेट बोलेंगे तो वो स्ट्रक्चर डिटरमिनेट तब होगा जब उस स्ट्रक्चर की मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शंस सिंपली मैं कैलकुलेट कर पाऊं इक्विलिब्रियम इक्वेशन से क्योंकि 2D में 3 होती हैं और 3D में 6 होती हैं तो अगर मैं मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर पा रहा हूं उन सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके तो वो स्ट्रक्चर डिटरमिनेट होगा अदरवाइज वो इनडिटरमिनेट होगा मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल वी हैव अ बीम लाइक दिस we have a simply supported beam. This is hinge support. इस hinge support पे क्या होती है? Two reactions होती हैं और इस ये है roller support. Roller support पे जो है वो एक reaction होती है. तो जो मेरे पास ये simply supported beam है, इस पर total number of reactions कितनी होगी? तीन होगी. Total number of reactions कितनी होगी? तीन. और ये जो स्ट्रक्चर है वो मेरा 2D में है और 2D में इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होती हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं तीन और मेरे पास तीन रिएक्शंस हैं तीन इक्वेशंस हैं मतलब तीन अननोन तीन इक्वेशंस तो मैं सिंपली इन तीन रिएक्शंस को इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कैलकुलेट कर पाऊंगा तो ये स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होगा वो होगा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर अगर मैं इनडिटरमिनेट की बात करूं अगर मैं मान लीजिए इंटरमिनेट की बात करूं और मेरे पास कोई ऐसी बीम है दिस इज बीम ये प्रॉप कैंटिलीवर बीम है ठीक है ये है फिक्स सपोर्ट ये है रोलर सपोर्ट पे जो होती है एक रिएक्शन होती है और फिक्स सपोर्ट पे तीन रिएक्शन होती है आपकी मोमेंट रिएक्शन और RX RY वन ले लो ये RY 2 ठीक है तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ और ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर आया इस टोटल स्ट्रक्चर पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो गई टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस हो गई आपकी 4 और 2D में मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती कितनी है 3 होती हैं मतलब अगर 4 में से मैं 3 माइनस करूं तो 1 आया मतलब क्या कि मेरे पास 4 रिएक्शंस है और इक्वेशंस कितनी है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है 3 है तो मेरे पास एक रिएक्शन जो है वो एक्स्ट्रा आ रही है मतलब कि एक रिएक्शन जो है मेरे पास एक्स्ट्रा आ रही है अब इस रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा कंडीशन की जरूरत पड़ेगी या फिर एक एक्स्ट्रा रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी वो रिएक्शन हम लोग एक तरह से कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से भी कंपैटिबिलिटी कंडीशन लगाते हैं इक्वेशन उससे भी हम निकालते हैं पर वो हम फोर्थ मेथड में बात करेंगे पर हम अगर यहाँ बात करें तो जो मेरी एक जो अननोन रिएक्शन बच रही है यही है इंडिटरमिनेसी मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो कितने डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी होगी इसकी 1 डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी मतलब जितना अननोन उतनी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी अब आपने ये देखा होगा कि जो मैं आपको बता रहा हूं डिटरमिनेसी और इंडिटरमिनेसी तो जो इंडिटरमिनेसी मैं बता रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये कैसे हम पता लगा रहे हैं कोई भी स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है या इंडिटरमिनेट है तो उसको पता लगाने के लिए मेरे पास मुझे दो चीजें बताऊंगी चाहिए जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे एक तो सपोर्ट रिएक्शन बता दे कि किस सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन होती हैं हिंज पे 2 होती हैं फिक्स पे 3 होती हैं रोलर पे 1 रिएक्शन होती है एक मुझे पहली बात ये पता होना चाहिए दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं वो 2D में कितनी होती हैं 3D में कितनी होती हैं वो इक्वेशंस पता होनी चाहिए तब हम बता पाएंगे कोई भी स्ट्रक्चर क्या है डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या है और अनडिटरमिनेट क्या है अब मैं आपको बताता हूं कि
इनडिटरमिनेसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस होती हैं और कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे पास होती हैं 2D और 3D में। तो हम लोग पहले, मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि मेरे पास 2D और 3D में कितनी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। तो मेरे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है वो 2D में और 3D में बात करता हूँ। 2D में होती हैं आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं आपकी 3, ठीक है, और 3D में होंगी नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी 6, ठीक है। और ये जो 3 इक्वेशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं, समेशन ऑफ ओरिएंटल फोर्स 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, समेशन ऑफ मूवमेंट 0, ठीक है। और 3D में क्या क्या होंगी, समेशन ऑफ एफएक्स मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, समेशन ऑफ एफवाई 0, समेशन ऑफ एफजेड 0, और समेशन ऑफ मूवमेंट 0, एक्स के अबाउट समेशन ऑफ मूवमेंट, वाई के अबाउट समेशन ऑफ मूवमेंट जेड के अबाउट। ये मेरे पास 3 रिएक्शन यहां और 6 रिएक्शन यहां, ये जो होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि आगे मुझे क्या जरूरत होनी चाहिए कि सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस होती हैं। तो उससे पहले मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरे मन में एक सवाल आता है कि रिएक्शंस कैसे आती हैं, मतलब रिएक्शन कैसे लग रही है सपोर्ट पे, रिएक्शन आ कैसे रही है। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी स्ट्रक्चर में, उसको मैं समझ सकते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर में किसी भी पॉइंट पर अगर उस मतलब उसके डिफॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट को रिस्ट्रेंड अगर मैं करूं, तो जो रिस्ट्रेंड मैं कर रहा हूं उसको रोक रहा हूं, तो जो रोकने पर उस पर क्या होती है, उसी डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाती है। उसी तरीके से सपोर्ट जो होता है, जो सपोर्ट जिस तरह से बीम को किसी भी स्ट्रक्चर को रोके रहता है किसी भी डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में क्या होती है, एक रिएक्शन आ जाती है, रिएक्शन आ जाती है, ठीक है। तो रिएक्शन इस तरह से आती है, मान लीजिए मेरे पास सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट, इस सपोर्ट क्या बोलते हैं, फिक्स सपोर्ट, ये हो गया फिक्स सपोर्ट। अब आप इसमें देखिए कि जो सपोर्ट है, ठीक है, ये मेरे पास बीम है, यहां पे एक सपोर्ट लगी है, अभी सपोर्ट क्या है डेल्टा एक्स, मतलब मान लीजिए मतलब इस अगर मैं एक्स डायरेक्शन में देखूं तो ये एक्स डायरेक्शन में जीरो होगी, इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ये तो क्या होगा डेल्टा एक्स क्या हो गई जीरो, मतलब अगर इस डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस सपोर्ट को मैंने फिक्स कर दिया, रिस्ट्रेंट कर दिया, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगी, एक रिएक्शन आ जाएगी, तो एक आर एक्स रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। और अगर अब ये सपोर्ट वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूवमेंट नहीं कर रही है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन मतलब जेड डेल्टा वाई जीरो हो गया, अगर डेल्टा वाई का मतलब क्या, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इस सपोर्ट पे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जब सपोर्ट वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो इस क्या होगा, एक रिएक्शन आ जाएगी। और क्या होता है, एक मतलब ये अब मान लीजिए मैं अगर इस पर कोई मूवमेंट लगाऊंगा चलते, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो सपोर्ट फिक्स सपोर्ट है यहाँ पे कोई भी थीटा नहीं बनता है, मतलब अगर ये कोई भी यहाँ अगर थीटा बन भी रहा होगा तो यहां से बनेगा ऐसे, अगर ये डिकॉन भी होगी तो ये ऐसे डिकॉन होगी, ठीक है, यहाँ थीटा मतलब यहाँ थीटा बनेगा इतनी दूर जाके, मतलब इस सपोर्ट पे कोई थीटा नहीं बनेगा, तो यहाँ थीटा क्या है, थीटा भी जीरो आ रहा है, तो थीटा जीरो आ रहा मतलब क्या, कोई ना कोई मूवमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस सपोर्ट पे मतलब अगर डिफॉर्म भी होगा तो ये ऐसे होगा, ऐसे करके कुछ दूर जाके ऐसे करके डिफॉर्म होगा, सपोर्ट पे नहीं होगा, सपोर्ट पे कोई भी थीटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो कहाँ हो गया, वहां तो क्या हो गया, वहां पे कोई ना कोई मूवमेंट रिएक्शन आएगी। तो ये तो रहा मेरे पास 2D में। अगर मैं 3D में बात करूं, तो क्या होगा, डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा वाई जीरो और थीटा जीरो, मतलब तीनों डायरेक्शन में थीटा जीरो होगा, तीनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ डेल्टा एक्स जीरो तो आर एक्स आ गई रिएक्शन, डेल्टा वाई जीरो होगा तो आर वाई रिएक्शन आ गई,
डेल्टा जेड जीरो होगा तो आर जेड रिएक्शन आ गई, ठीक है। ऐसे ही थीटा एक्स जीरो हो गया तो क्या हो गया, मूवमेंट आ गया एक एक एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स के अभाव, ठीक है। अगर थीटा वाई डायरेक्शन में जीरो हो गया तो मूवमेंट आ गया, और थीटा अगर जेड डायरेक्शन में जीरो हो गया तो मूवमेंट आ गया। मतलब थीटा में कितनी हो गई, सिक्स रिएक्शन होती है फिक्स सपोर्ट पे, और टू डी में तीन रिएक्शन होती है, ठीक है। ये तो पता ही मैंने आपको, टू डी और थ्री डी में कितनी कितनी रिएक्शन होती है मेरी फिक्स सपोर्ट पे। अब बात करते हैं हिंज सपोर्ट की। मान लीजिए कोई हिंज सपोर्ट है, ये दिस इज हिंज सपोर्ट, ये हिंज सपोर्ट है, ठीक है। अब देखिए, और जैसे मतलब मैंने आपको बताया ना रिएक्शन कैसे आएंगे, रिएक्शन आएंगी जैसे जैसे हमने उस सपोर्ट को जिस डायरेक्शन में रिस्ट्रेंड कर रखा है, जिस डायरेक्शन में रिस्ट्रेंड किया है उस डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब इसे एक्स डायरेक्शन में ऐसे से डिस्प्लेसमेंट जीरो कर रखा है तो क्या होगा, डेल्टा एक्स यहाँ क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं है, ये यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे ऐसे पे ये हिंज सपोर्ट है, ठीक है। ये डेल्टा एक्स जीरो है तो क्या हो जाएगी, एक आर एक्स रिएक्शन आ जाएगी, मतलब एक रिएक्शन आर एक्स एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है सपोर्ट पे, डेल्टा वाई जीरो, मतलब एक आर वाई रिएक्शन आ जाएगी। मान लीजिए कि मैंने इस पे कोई मूवमेंट लगाया, ठीक है, एक मूवमेंट लगाया, मान लीजिए कोई एक मूवमेंट लगाया और ये कुछ इस तरह से, ये जो डिफॉर्म होगी वो इस तरह से होगी कुछ ऐसे, तो यहाँ क्या होगा, ये थीटा एडजस्ट करेगा, मतलब यहाँ थीटा क्या कर रहा है, थीटा एडजस्ट कर रहा है। अगर थीटा एडजस्ट कर रहा है तो रिएक्शन आएगी, तो रिएक्शन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ थीटा एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन क्या होगी, नहीं आएगी, रिएक्शन जीरो होगी। तो इसमें इस टू डी में फिक्स सपोर्ट पे तीन रिएक्शन, थ्री डी में सिक्स रिएक्शन। अगर मैं बात करूं हिंज सपोर्ट की, हिंज सपोर्ट की टू डी में कितनी रिएक्शन हो गई, टू रिएक्शन हो गई, एक एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। और अगर मैं 3D की बात करूं, ठीक है, 3D में क्या होगा, डेल्टा एक्स जीरो, मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो एक्स एक आर एक्स इक्वेशन आ गई, इक्वेशन में एक आर एक्स रिएक्शन आ गई, ठीक है। वाई डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो एक रिएक्शन आ गई। यहां पे क्या थीटा जो एग्जिस्ट कर रहा था, अब क्या है यहाँ पे डेल्टा जेड, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है, मतलब इस हिंज सपोर्ट पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कोई भी हमने रिस्ट्रेंट लगा रखी है, वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, पर हाँ यहाँ थीटा एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, डेल्टा जेड जीरो, तो मतलब आर जेड रिएक्शन आ जाएगी। ऐसे ही जो थीटा एक्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा तो एम एक्स जीरो, ठीक है, एम मतलब रिएक्शन नहीं आएगी, और थीटा वाई एग्जिस्ट करेगा तो एम वाई जीरो हो जाएगा, और थीटा जेड एग्जिस्ट करेगा तो एम जेड जीरो, मतलब कितनी रिएक्शन हो गई, तीन। हिंज सपोर्ट पे 3D में तीन रिएक्शन होती हैं, ये जो रिएक्शन है वो ये कौन सी है, 3D में, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसी है, किसमें है, 2D में, ये 2D में, ये 3D में, ये सिक्स रिएक्शन, ये तीन रिएक्शन, ये मैं निशान टिक का निशान लगा दे रहा हूँ, ये तीन रिएक्शन और 2D में दो रिएक्शन। अब बात करता हूं सपोर्ट रोलर सपोर्ट की, ठीक है। अब इस रोलर सपोर्ट को देखिए, इसमें क्या है, मतलब ये क्या है, ये रोलर सपोर्ट किस तरह से होता है। मान लीजिए दो बीम है मेरे पास, ठीक है, ऐसे करके बीम होंगी, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बीच में रोलर लगा होगा, ऐसे बीच में रोलर लगा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, रोलर ऐसे ऐसे एक्स डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे ऐसे बीम इस पे रोलर रोल रोल कर सकती है, तो ये सपोर्ट हुआ रोलर सपोर्ट हुआ। तो क्या हुआ, अब एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, तो रिएक्शन आएगी या रिएक्शन नहीं आएगी, ठीक है। अब डेल्टा वाई, वाई वर्टिकल डायरेक्शन में पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब बीम ऐसे ऐसे तो रोल कर सकती है, ठीक है, पर ऐसे ऐसे नहीं कर सकती, ऐसे ऐसे फिक्स है, पर एक्स डायरेक्शन में
कर देंगे, तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं था एक्स डायरेक्शन में, तो रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में जीरो है तो एक रिएक्शन आ जाएगी, रिएक्शन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ऐसे ही टू डी की बात कर रहा हूं, तो थीटा जो है एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसे मूवमेंट लगाऊं तो इस तरह से डिफॉर्म होगी, तो यहाँ एक थीटा एडजस्ट करेगा, तो थीटा जो है वो एडजस्ट कर रहा है, थीटा अगर एडजस्ट कर रहा है तो आई एम एक्स नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर 2D में बात करूं मैं, ये रिएक्शन कैसे लिख रहा हूं मैं, 2D में लिख रहा हूं, ठीक है। 2D में बात करूं तो सिर्फ एक ही रिएक्शन आती है रोलर सपोर्ट पे, ठीक है। और अगर 3D में बात करूं, मतलब ये जो रिएक्शन लिख रहा हूं मैं 3D में लिख रहा हूं, 3D में बात करूं तो क्या होता है, 3D में भी रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन आती है, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमने उसको जो रिस्ट्रेंट किया है ना, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वही रिएक्शन आएगी आपकी 3D में भी, मतलब सिर्फ एक रिएक्शन आएगी, मतलब डेल्टा y जो होगा वो जीरो होगा और r y जो होगा एक रिएक्शन आएगी, बाकी डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा z इज नॉट इक्वल टू जीरो, और थीटा x एग्जिस्ट करेगा, थीटा y भी एग्जिस्ट करेगा, थीटा z भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं आएंगी, ये भी एग्जिस्ट, ये भी इन डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इन डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता तो रिएक्शन आती, डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं हो रहा है, डेल्टा एक्स जीरो नहीं है, ठीक है। ऐसी जो मेरे पास थीटा है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट पे रिएक्शन नहीं आएगी। तो 3D में मेरी रिएक्शन कितनी होगी, 3D में भी एक ही रिएक्शन होती है रोलर पे। अब समझ करता हूं कि अगर मैं फिक्स सपोर्ट की बात करूं और 2D में बात करूं तो 2D में रिएक्शन कितनी होंगी, तीन, और 3D में सिक्स रिएक्शन, ठीक है। और अगर हिंज सपोर्ट की बात करूं तो हिंज सपोर्ट पे 2D में दो रिएक्शन और 3D में तीन रिएक्शन। अगर मैं रोलर सपोर्ट की बात करूं तो 2D में एक रिएक्शन और 3D में भी एक ही रिएक्शन होगी। तो दोस्तों अगर हमें इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए था कि किस सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आती है और कैसे आती है, क्योंकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें बताई, जिससे आपको ये पता चले कि अगर आप भूल भी जाए, मतलब रटे ना कि रोलर पे एक सपोर्ट हो रही है, हिंज पे दो रिएक्शन हो रही है, तो इस तरह से हम रटे ना, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से रिएक्शन सपोर्ट पे आती है, ठीक है। अब आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि कोई भी स्ट्रक्चर कितने डिग्री ऑफ उसकी इनडिटर्मिनेसी है। पर अब इसके आगे चलते हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ, अब मुझे इस चैप्टर में क्या बताना है आपको कि इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट कैसे, तो ये होती है आपकी, एक होती है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, और एक होती है काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी, ठीक है। अब जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है, काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी है, ठीक है। हम ये करते हैं, ये जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है, हम तीन चीज की यहां बताएंगे और यही तीन चीज की काइनेमैटिक भी इनडिटर्मिनेसी बताऊंगा। पहले बताऊंगा मैं आपको फ्रेम की, फिर बताऊंगा आपको बीम की, फिर ट्रस, मतलब फ्रेम में, बीम में, ट्रस में किस तरह से हम स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही काइनेमैटिक में फ्रेम, बीम और ट्रस, ठीक है। तो क्योंकि इस वीडियो में क्या हुआ कि मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे बेसिस सारे आपको बेसिस बताए, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं इस वीडियो में केवल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी बताऊंगा, फ्रेम की कैसे कैलकुलेट की जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी सबको कवर कर लूंगा, ठीक है। काइनेमैटिक के तीनों चीज और स्टैटिक की, बीम और ट्रस की, तो मैं आपको बताता हूँ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फ्रेम की कैसे हम निकालते हैं। तो यहां बताता हूं मैं आपको स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं डीएस से, डीएस क्या है,
डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, क्या है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है। तो ये जो होती है टोटल डीएसई प्लस डीएसआई मतलब एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी और ये हो गई आपकी इंटरनल इनडिटरमिनेसी, ठीक है। मतलब स्टैटिक इनडिटरमिनेसी क्या होती है और इंटरनल इनडिटरमिनेसी क्या होती है। स्टैटिक इनडिटरमिनेसी जो होती है वो डायरेक्ट रिलेटेड होती है आपकी स्ट्रक्चर की सपोर्ट रिएक्शन से, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन केवल सपोर्ट रिएक्शन देखते हैं उसमें स्टैट मतलब एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी निकालने के लिए। और जो इंटरनल इनडिटरमिनेसी के लिए देखते हैं वो हम देखते हैं उसमें किसी मेंबर फोर्सेस क्या इंटरनल मेंबर फोर्सेस की बात करते हैं वहां पर, वो कितने इंटरनल मेंबर फोर्सेस हैं जो हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं सिंपली, उससे वो कितनी इनडिटरमिनेसी उसमें आ रही है इंटरनल की, इंटरनल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। एक्सटर्नल की वजह से और इंटरनल की वजह से कैसे, तो टोटल जो स्टैटिक नंबर ऑफ स्टैटिक मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी जो होगी वो ये फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर मैं केवल एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी की बात करूं तो एक्सटर्नल जो इनडिटरमिनेसी होगी वो ऐसे निकलेगी मतलब नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। अब क्या है, एक डीएस टोटल इनडिटरमिनेसी निकालने का एक तरीका है, ठीक है। एक डीएसई निकालने का ये है तरीका, ठीक है। तरीका मतलब ऐसी फॉर्मूला है, ठीक है। उसे ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा तो डीएसआई मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, मतलब डीएस से मैं डीएसई कर दूंगा तो डीएसआई निकल आएगा, ठीक है। अब तक तो बात रही है स्टैटिक मतलब डिटरमिनेसी का फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ फ्रेम की कि किस तरह से हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकालेंगे। तो उससे पहले हमें उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन मतलब मान लीजिए अगर मैं बात करूं स्टैटिक इनडिटरमिनेसी फॉर फ्रेम, फ्रेम की बात करूं तो मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला होता है यहाँ पे डीएस निकालने का, केवल टोटल डीएस निकालने का फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला का एक तरीका है, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में क्या होता है कि इनडिटरमिनेसी निकालने के बुक्स में कई सारे बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं कि 2D में ये लगाना है, 3D में ये लगाना है, पिन जॉइंटेड ये हो रिजिड हो तो ये लगाना है, मतलब कई तरह के उसमें फॉर्मूले दे रखे हैं। पर हम लोग यहाँ कोई भी फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक क्या है यहाँ पे, सिर्फ 2D में फॉर्मूला और 3D में फॉर्मूला, बस उसको याद करना है और आराम से आप डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकाल सकते हैं। अगर मैं फ्रेम की बात करूं तो क्या होगा 3C माइनस आर डैश, और अगर बात करूं मैं ये हो गई आपकी 2D में, ठीक है, और 6C माइनस आर डैश ये हो गई आपकी 3D में। अब C क्या है, C है नंबर ऑफ कट, ठीक है, और आर डैश जो है वो है रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। नंबर ऑफ कट क्या है, मतलब मुझे जो फ्रेम को इस तरह से काटना है, मतलब फ्रेम को इस तरह से कट लगाने हैं कि एकदम जैसे ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, एकदम से ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऐसा सपोर्ट लगा है, ठीक है, तो उस पर कोई एक ऐसे मेंबर हो, एक ऐसे हो, एक ऐसे हो, ऐसे हो, मतलब ऐसे चलेगा कि ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, हर सपोर्ट पे ऐसे ब्रांचेस लगी हो, पर कोई भी ब्रांच मतलब इस तरह से मुझे फ्रेम को कट करना है कि कोई भी ब्रांच जो है वो टूट के नीचे ना गिरे, कोई भी शाखा पेड़ का नीचे टूट के ना गिरे, इस तरह से कट लगाना है फ्रेम को। और वो मैं कितने कट लगा सकता हूँ, मतलब और ऐसा एक चीज और ध्यान रखनी है कि हर ब्रांच एक अपनी एक सपोर्ट से जुड़ा हो, ठीक है। तो मैं फ्रेम में कितने कट लगा सकता हूँ ऐसे, वो है नंबर ऑफ कट, ठीक है, उस फ्रेम में। और रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड क्या है, मतलब कि हर मैं क्या करता हूँ हर सपोर्ट को फिक्स बनाता हूँ, मतलब उसमें क्या करता हूँ उसमें कोई रिएक्शन जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या था 2D में बात करूँ तो मेरे पास ये रोलर है सपोर्ट, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि 2D में जो होती है रोलर पे एक रिएक्शन होती है, ठीक है, और इक्विवेलेंट इक्वेशंस कितनी होती है 3 होती है, ठीक है।
अब क्या है, तीन इक्वेशन है और मेरे पास केवल एक ही सपोर्ट रिएक्शन आ रही है। मतलब क्या है, मैंने इसको केवल एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रेंट कर रखा है। मतलब मुझे क्या दो डायरेक्शन में और रिस्ट्रेंट करना है, तो नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड कितना हो जाएंगे, टू हो जाएंगे। इस तरह से बता रहा हूँ मैं कि रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड कैसे देखनी है। मतलब जिस डायरेक्शन में मैंने रिस्ट्रेंट कर रखा है उस डायरेक्शन में तो एक रिएक्शन आ गई, और जिस डायरेक्शन में मैंने रिस्ट्रेंट नहीं कर रखा है तो उस डायरेक्शन में मुझे उस स्ट्रक्चर को रिस्ट्रेंट करना है। और रिस्ट्रेंट करूंगा तो क्या करूंगा, वही रिस्ट्रेंट उसमें बताते हैं कि कितने रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड हैं मेरे उस स्ट्रक्चर में। तो नंबर ऑफ कट, कट इस तरह से लगाने हैं कि फ्रेम ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, कोई भी शाखा टूट के जमीन पर ना गिरे। इस तरह से कट लगाने हैं, हर ब्रांच एक अपनी एक सपोर्ट से जुड़ा हो। ठीक है, नंबर ऑफ कट, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड। तो ये रहे मेरे फ्रेम पे फॉर्मूले। ठीक है, अब क्या होता है इसमें एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और जोड़ देते हैं वो लोग कभी कभी। क्या करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक फ्रेम है, मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसे फ्रेम है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, ये फिक्स सपोर्ट यहाँ रोलर हिंज एंड सपोर्ट लगा देते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं ये लोग, अब लोग क्या करते हैं कि हिंज भी लगा देते हैं, मतलब इंटरनल हिंज भी यहाँ मेंबर्स पे लगा देते हैं वो लोग। और इंटरनल हिंज लगा देते हैं, वहां क्या होता है, वहां रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड हम लोगों को निकालने पड़ते हैं। अब मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि अगर मैं 2D में बात करूं, 2D में बात करूं तो नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट, अगर मैं 2D में बात करूं और नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड निकालूं, मतलब यहां पे ये इंटरनल हिंज के केस में बता रहा हूँ, इंटरनल हिंज के केस में, तो वो क्या होगा 2D में, m-1, जो m है वो क्या है, नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट हिंज। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट हिंज, मतलब अगर मैं यहां बात करूं, यहां पे मुझे निकालना हूं कि वो कहे कि नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड यहाँ कितना है, तो क्या करूंगा, इस हिंज पे कितनी मेंबर मीट कर रही हैं, दो मेंबर मीट कर रही हैं, तो ये 2D में स्ट्रक्चर है, m माइनस वन हो गया, m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट द हिंज, तो कितनी हिंज, कितनी इस हिंज पे कितनी मेंबर मीट कर रही हैं, दो, तो m की जगह 2-1 मतलब 1, मतलब इस हिंज के लिए जो रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड है वो कितना है, 1। ठीक है, और अगर इस हिंज की बात करूं, इस हिंज पे क्या है, चार मेंबर मीट कर रही हैं, तो m माइनस वन में क्या लिखूंगा, m बराबर क्या हो जाएगा, 4-1=3, मतलब इस हिंज के लिए नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड 3 और इस हिंज के लिए नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड 1। ठीक है, और अगर मैं 3D की बात करूं, अगर मैं 3D की बात करूं, ठीक है दोस्तों, अगर मैं 3D की बात करूं तो 3m-1 ये क्या होगा, यही होंगे मेरे नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब 3m-1, m क्या है भाई, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट द हिंज। ठीक है, तो इतने इससे ज्यादा नहीं खेलते हैं वो लोग गेट में। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं खेलेंगे, कुछ और भी रोलर, मतलब कुछ और भी सपोर्ट होते हैं, कुछ स्पेशल सपोर्ट जैसे होते हैं, जैसे कि कोई गाइडेड रोलर लगा दे, ठीक है, और आपका एक तरह से गाइडेड रोलर लगा दे, और बीच में मेंबर के बीच में लगा दे, हिंज लगा दे, मतलब इस तरह से बस ऐसे खेलते हैं वो लोग, बस और कुछ नहीं। बस हम लोग क्या करना है, टोटल, ये जो टोटल निकालेगा, ये डीएस निकालने का फॉर्मूला है, टोटल डीएस। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फ्रेम दे रखा है, उसकी डीएस पूछे, ठीक है, डीएस मैं ऐसे निकाल लूंगा, 3c-r' और 6c-r' से। ठीक है, और हिंज लगा दे तो ये रेस्टोरेंट रिक्वायर्ड यहाँ ऐसे हो जाएंगे। अगर अब आपको एक चीज मैं और बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि किस सपोर्ट पे कितने रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई फिक्स सपोर्ट आ गया, फिक्स सपोर्ट आ गया, तो क्या है, मैंने आपको बताया था इसमें 2D में कितनी रिएक्शन होती हैं, कितनी होती हैं, इसमें 2D में 3 रिएक्शन होती हैं, और 6D में 2D में 3 रिएक्शन होती हैं, और 3D में 6 रिएक्शन होती हैं। तो क्या है, इसको 2D में क्या कराया, इन लोगों ने तीनों ही डायरेक्शन में इसको फिक्स किया, मतलब तीनों ही डायरेक्शन में इसको रिस्ट्रेंट किया है, तो इसमें 3 रिएक्शन आ गई। अब क्या है, तीनों डायरेक्शन में फिक्स है, तीनों डायरेक्शन में रिस्ट्रेंट है, रिएक्शन में रिएक्शन भी आ रही है, तो इस पर रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड कितना होगा, नहीं होगा, जीरो होगा। ठीक है, इस पर रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड कितनी होगी, जीरो, 2D में जीरो और 3D में भी जीरो।
मतलब अगर मैं 2D एंड 3D दोनों को दोनों केस में संसंग लेके चल रहा हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए कि 2D और 3D में क्या क्या होगा। ठीक है, 2D में भी 0, 3D में भी 0। अगर मैं हिंज सपोर्ट की बात करूं, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड कितने होंगे, ये नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड बता रहा हूं मैं। और इसमें क्या है, एक रिएक्शन वर्टिकल आती है और एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल आती है। ठीक है, मतलब इसको क्या है, 2D में 2D में तीन इक्विवेलेंट इक्वेशंस होती हैं और दो डायरेक्शन में इसको फिक्स किया हुआ है, मतलब दो डायरेक्शन में इसमें रिएक्शन आई हुई है, तो एक डायरेक्शन में इसको रिस्ट्रेंट और करना, तो 2D में नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड 1। और 3D में कितनी हो जाएगी, 3D में इसमें कितनी रिएक्शन थी, 3 रिएक्शन थी, तो नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, ऐसे अगर मैं रोलर की बात करूं तो 2D में जो नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड होगा, मतलब सिर्फ इसमें क्या होता है, एक ही रिएक्शन आती है 2D में, तो नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड कितनी हो गई, 2। ठीक है, और 3D में नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड 5। ठीक है, बस इतना ही बता था मेरे को कि हिंज में नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे, सपोर्ट पे नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, आप एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक फ्रेम का क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें सारे केस लगा देता हूँ। ठीक है, सारे केस लगा के डीएस निकालता हूँ, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से क्वेश्चन को करना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास कोई एक फ्रेम है, ये कोई एक सपोर्ट रिएक्शन है, और मान लीजिए ये कोई एक हिंज है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई हिंज सपोर्ट है और ये कोई रोलर सपोर्ट। मेरे पास फ्रेम है, मतलब क्वेश्चन मेरे पास है डीएस निकालना है और डीएसई निकालना है और डीएसआई निकालना है। ठीक है, ठीक है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है और एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी निकालनी है और इंटरनल इंडिटरमिनेसी निकालनी है। ठीक है, ये मेरे पास कोई फ्रेम है, ये रोलर सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है, और यहाँ पे एक इंटरनल हिंज यहाँ लगी है और एक इंटरनल हिंज यहाँ लगी है। तो इसमें क्या करना है मुझे, इस स्ट्रक्चर में और ये 2D में इस स्ट्रक्चर में मुझे डीएस निकालनी है। तो अब सिंपली डीएस का फॉर्मूला क्या होता है, 3C-R' 2D में होता है ये, और 2D में मेरा स्ट्रक्चर है। सी क्या है, नंबर ऑफ कट, और आर क्या है, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ कट मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो कट लगाना है मुझे फ्रेम में, इस तरह से कट लगाना है कि कोई भी जो ब्रांच है टूट के ना गिरे और हर ब्रांच पे अपना एक सपोर्ट हो। तो मैंने मान लीजिए एक कट इधर लगाया, एक कट इधर, एक कट इधर, एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब कुछ इस तरह से कट लगाया। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैं इस पार्ट को दिखाऊं तो इस पार्ट को मैं दिखा सकता हूँ, मान लीजिए ये हिंज सपोर्ट है और ये ऐसे ऐसे और ऐसे अलग हो रहा है, मतलब एक मेरे पास सपोर्ट है और यहाँ ब्रांच है, ये ब्रांच टूट के नीचे नहीं गिर रही है। अगर इस पार्ट की बात करूं तो इस पार्ट में क्या है, एक रोलर सपोर्ट है ऐसे लगा है, एक ऐसे ऐसे और ऐसे लग गया, मतलब इस तरह से हमें कट लगाना है कि कोई भी ब्रांच नीचे टूट के ना गिरे और हर एक ब्रांच अपनी एक सपोर्ट रखे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कट कितने होगा यहाँ पे, C=6 और नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड अब फिक्स सपोर्ट पे कितने होंगे, 0, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में ही इसको रिस्ट्रेंट किया हुआ है, तीनों डायरेक्शन में ही इस पे रिएक्शन आ गई है। ठीक है, अगर मैं रोलर सपोर्ट की बात करूं तो नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड यहाँ कितने हो जाएंगे, एक इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में इसको रिस्ट्रेंट किया हुआ है तो इसमें वर्टिकल एक रिएक्शन आती है, तो नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट और टू और जो जितनी दो डायरेक्शन है उसमें इसको रिस्ट्रेंट करना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मैं हिंज सपोर्ट की बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें दो रिएक्शन होती है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती है, वर्टिकल रिएक्शन होती है, तो एक ही डायरेक्शन बची जो इसको हम रिस्ट्रेंट करेंगे, तो नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, 2D में बात हो रही है, तो नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड रोल कितनी हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने इंटरनल हिंज भी लगाई है 2, तो इस इंटरनल हिंज के लिए मैंने आपको बताया था कि M-1 होता है 2D में। ठीक है, M क्या है, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट द हिंज, तो या इस हिंज पे कितनी मेंबर मीट कर रही है, 1 और 2, तो M बराबर कितना हो गया, 2 2-1 = 1। ठीक है, और एक ये हिंज लगी मेरी इंटरनल हिंज, इस हिंज पे नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड कितनी हो गई, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट द हिंज विच इज 4, तो 4-1 = 3, तो मतलब नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट अब हम जोड़ लेंगे, 3 और एक 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो इसमें लग जाइए अपना डीएस बराबर
3 इंटू 6 माइनस 7, 18 माइनस 7 इक्वल टू 11, ठीक है। दिए था टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है, 11 आ गई। अब मुझे एक्सटर्नली इंडिटरमिनेसी निकालनी है, तो एक्सटर्नली कैसे निकालता हूँ, सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन देखता हूँ, ठीक है। तो रोलर पे एक रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन हिंज पे होती है, और तीन रिएक्शन मेरी फिक्स सपोर्ट पे होती है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई एक्सटर्नली, अगर मैं देखूँ तो 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 6 रिएक्शन। और नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होती है, 3। तो एक्सटर्नली जो इंडिटरमिनेट होगा वो 3 डिग्री से होगा, और टोटल जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आई वो है 11। तो अगर मैं मेरे पास एक वो था, टोटल जो इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला था वो क्या, डी एस ई प्लस डी एस आई। तो यहां से मैं डी एस आई भी निकाल सकता हूँ, मतलब इंटरनली कितना इंडिटरमिनेट है, 11 माइनस 3, 8, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये कहा कि इस पार्ट में मैंने आपको पार्ट टू, जो मेरा डिटरमिनेसी और इंडिटरमिनेसी का पार्ट टू है, इस पार्ट में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया जिसमें सारे ही केस मैंने इसमें इन्वॉल्व कर लिए जितने भी गेट में आते हैं, और 2-4 सपोर्ट और बच्चे हैं जो कि स्पेशल सपोर्ट होते हैं, वो आपको मैं, जब आप मेरा बैच ज्वाइन करेंगे गेट कॉर्नर का, क्योंकि 3 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो वो जो बैच ज्वाइन करेंगे तो मैं उसमें आपको डिटेल बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है सब कुछ बताना, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कोशिश की, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।